कविता बहुत पहले लिखी गई थी, उससे भी पहले, यानी 30-35 साल पहले लिखी गई कविता है। कोई जुलूस आसमान से उतरेगा और हिमपात में बेघर हुए लोगों के चेहरे पर बैठ जाएगा, सबके चेहरे पर होंगी पांव की छाप, न होगी होठों पर चुंबन की उष्मा, न किसी की आंखों में आदमी की परछाई, बस हर चेहरे पर रक्त और रक्त में लथपथ सपने, खिड़कियों पर विस्फोट का काला धुआं, दरवाजों में झूठी चौखटें, डोलती संकल, बिस्तरों में अजली लाश, स्कूलों में छूटे बस्ते और टूटी स्लेट, कोई अधूरा वाक्य ब्लैक बोर्ड पर, भैंसों में धूप धूप अंधेरा और खेतों में कब्र, जंगल सड़कों पर दौड़ेगा और सड़कें गुफाओं में खो जाएंगी। ऐसा ही हर बार होता है, जब भी जुलूस आसमान से उतरता है, धरती सिर्फ रोती है, नदियां सिर्फ जलती हैं, सागर बस सूखता है और किसी हिमपात की सफेद चादर में दफन हो जाता है। मैंने पूछा आसमान से, पेड़ों से, तारों से, नदियों से, तुम कहाँ होते हो इस जुलूस में? मेरा स्वर हवा के कंधे पर सवार दिशाओं से करता रहा बातें कि आसमान ने गोली गीली पलकें उठाई, पेड़ों ने सिहर कर भरी आग, तारों ने पोंछ ली आग काली चादर में, नदियों ने बांध ली बाहों में, मैं नहीं, मैं नहीं, मैं नहीं, कब आसमान लाया है कौन बदलाव, सब झूठ है आसमान की बातें, एक आर्द्र स्वर हवा में क्षितिज में तैर गया। ये कविता इस किताब के शीर्षक से ही सबको पता है कि सिवान के लोगों की लिखी हुई कविताओं का संग्रह है। तो इसकी भूमिका में उन्होंने लिखा है कि जो मेन स्ट्रीम के कवि हैं, जो महानगरों में रहते हैं, उनकी आवाज को सभी पहचानते हैं, लेकिन जो मेन स्ट्रीम के कवि नहीं है, कई बार उनसे ज्यादा बुलंद आवाज में वो कविता लिखते हैं, उनसे ज्यादा तीखा प्रहार करते हैं, उनसे ज्यादा ऊंची आवाज में बात करते हैं, यानी उनकी नजर वहां तक पहुंचती है पर उन पर बात नहीं हो पाती। तो इस कविता के पाठ के साथ फिर मैं एक फिल्म के दृश्य को बता रही हूँ। पीके एक फिल्म है जो अभी अभी आई थी कुछ समय पहले, और उसमें एक दृश्य है जब जो आमिर खान का दोस्त उसमें बनता है संजय दत्त, और वो आ रहा होता है मिलने, और वो जब स्टेशन पर उतरता है और वहाँ विस्फोट हो जाता है और सिर्फ उसका जूता बचा रह जाता है, तो वहाँ लाश के चिथड़े उड़े होते हैं और कहीं किसी के का कुर्ता टंगा है, कहीं कुछ और इस तरह टंगी हुई चीजें दिखाई देती। इस कविता को पढ़ने पर उस फिल्म का दृश्य बिल्कुल हमारे सामने दिखाई देता है। तो वो हमेशा ये कहते थे कि कविता, जैसे हम छंद और लय को भी एक कर लेते हैं कई बार, लेकिन वो हमेशा इसके बीच में फर्क करते थे कि कविता में लय तो होती है, छंद अलग चीज है और लय अलग चीज है, बिना लय की कविता नहीं होती है। जैसे बांग्ला में आवृत्ति या उर्दू में उसको शेर या कहन कहते हैं, तो उस तरह से वो कही जाती है, वो लिखी नहीं जाती, वो कही जाती है। मतलब उसका यदि पाठ ठीक नहीं है, कई बार कवि लिख तो देता है लेकिन वो पाठ ठीक नहीं करता है, तो हम उसके अर्थ तक नहीं पहुंच पाते। यदि हम उसके उसके नेचर के अकॉर्डिंग, उसकी प्रकृति के अकॉर्डिंग यदि हम कविता का पाठ नहीं कर रहे हैं, तो कविता के अर्थ तक पहुंचना मुश्किल हो जाता है। तो पाठ अपने आप में एक बहुत बड़ा शब्द है, एक व्यापक शब्द है, और उसके साथ बहुत सारे अर्थ समाये हुए हैं। चाहे हम किसी भी टेक्स्ट का पाठ करें, चाहे आलोचना का करें, चाहे नाटक का करें, किसी का भी, लेकिन वो उसी के नेचर के अनुसार हो, और विशेषकर कविता में जहाँ शब्द कम होते हैं और बातें अधिक होती हैं, उस वो बहुत व्यापक होती है कविता, लेकिन कम शब्दों में कही जाती है उस बात को, गति में फिर भी व्यापकता होती है। तो यदि हम उसके नेचर के अनुसार, उसकी प्रकृति के अनुसार उसका पाठ नहीं करते हैं, तो हम
उसके अर्थ तक नहीं पहुंच पाते हैं, और जो अर्थ तक नहीं पहुंच पाते हैं तो कविता हमें क्या संदेश देना चाहती है उस तक भी नहीं पहुंच पाते हैं। तो तीन कविताएं हैं और तीन फिल्मों का